बोला है ना सर के पहली मीटिंग में सिर्फ एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे कुछ मतलब इस तरह आपने से। बोला कि पहली मीटिंग में एक दूसरे को जानेंगे, मगर हाँ फिर जी भी इतना क्लैरिफाई हाँ, सही कह नहीं रहे हुआ हैं। हाँ कि 100% रिलेशनशिप हो शायद। सकता है एक मीटिंग में हो जाए, हो सकता है दो मीटिंग लगे। बिकॉज क्या होता है, मतलब लोग आते हैं ना बड़े रेस्टलेस होके आते हैं, दो चार सवाल पूछे एक हाँ दूसरे के बारे में, बोलते हैं अच्छा अच्छा बताइए अब क्या है। करेक्ट, हाँ काफी रेस्टलेस होके आते हैं लोग, फिर ना कभी कभी बोलते पॉइंट पे आओ पॉइंट पे आओ, पहले ही बोल दो उनको तो बेटर है कि शायद पहले तो हम टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे को जानेंगे और शायद थोड़ा बिजनेस डिस्कशन हो जाए अगर जम जाए, अगर हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो। और हो सकता है कि टाइम ज्यादा निकल गया उसी एक दूसरे को जानने में, तो अगली मीटिंग में हम बिजनेस डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए आप ओपन रहो, रेस्टलेस नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करेंगे, राइट ना। ओके तो वो थोड़ा बोल देने का मतलब, कॉल कॉल वॉज ओके बट इट वॉज नॉट द वे व्हेन वी वर डूइंग प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस एवरी डे ना, इन्विटेशन की दैट टाइम इट यूज टू बी लाइक वेरी परफेक्ट, राइट। तो वो यू नो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया उसमें। चलो ओके और एक करते हैं, कौन करेगा कौन करेगा, विद अल्डू। किसने ये रिस्पॉन्स दिया। हाँ चलो, हाँ हाँ, मेरा शिखा, फोन स्विच नेहा, ऑफ हो गया था। हाँ शिखा विद मैं था सर। अनुभव, हाँ, कपिल था। मैं था सर। हाँ हाँ, सर, मैं सर, ये रिस्पॉन्स था। अच्छा। ठीक हेलो है, डन। ओके, हेलो, हाय कपिल। हाय शिखा, आपने कॉल की इतने टाइम के बाद, मैं वेट कर रहा था आपके कॉल की। हाँ, कॉल ही किया है और बहुत इम्पोर्टेंट काम से कॉल किया है मैंने। सुनो, तुम हो कहाँ अभी? मैं फ्री हूँ, बताओ। घर पे हूँ घर पे सर। हो या मतलब यू फ्री? राइट, आई नीड योर अरे कहाँ अनडिवाइडेड जाना है लॉकडाउन अटेंशन। में, लॉकडाउन में कहाँ वही जाना है। नहीं, मतलब आर यू ऑक्यूप आई होप यू आर नॉट ऑक्यूपाइड समवेयर, बिकॉज आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन। नो नो नो, है ना, वेलकम। आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू यू रिमेम्बर प्रीवियस कॉल में मैंने आपको बताया था कि यू नो आई स्टार्टेड माय बिजनेस हियर इन दुबई। यस सर, डेफिनेटली आई रिमेम्बर। यस, सो यू नो देयर इज अ मैसिव एक्सपेंशन गोइंग ऑन नाउ, एंड बिफोर ऑल ऑफ दैट, फर्स्ट आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू नो यू वेरी क्यूरियस एंड यू वर सेइंग दैट मेरे लिए भी कुछ है क्या, मुझे भी मतलब कुछ करना हो, तो वर यू सीरियस या बस ऐसे ही पूछ रहे थे? नो नो, आई टोल्ड यू दैट टाइम ओनली दैट आई एम ओपन टू एक्सप्लोर। अच्छा, ओके, परफेक्ट देन। सी कपिल, व्हाट आई विल डू इज यू नो जस्ट थोड़ा सा माइक पीछे करके बोलो तो समझ हाँ, में ज्यादा अभी अच्छे से ठीक है? आएगा। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज यू नो लेटली दिस वीक मी एंड माय बिजनेस पार्टनर वी वर डिस्कसिंग, एंड वी रियलाइज दैट यू नो वी वांट टू एक्सपैंड नाउ एंड वांट टू एक्सपैंड आवर बैंडविड्थ, है ना? ओके, तो आई वी आर ओपन नाउ टू ऑनबोर्ड वन और टू लाइक माइंडेड पार्टनर। तो सीन्स यू वर ऑल्सो यू नो आस्किंग मी, तो थॉट टू फर्स्ट चेक विद यू। तो नाउ सीन्स यू सेड यू वर सीरियस, अब व्हाट बेस्ट आई विल डू इज आई विल सेट अप अ मीटिंग जहाँ पे तुम, मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर हम मिलते हैं। ठीक है, मिलके पहले तो डिस्कस करते हैं इफ वी ऑल आर इन द सेम पेज, वी विल गेट टू नो ईच अदर, है ना? व्हाट आर आवर व्हाट इज लाइक आवर एस्पिरेशन, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, व्हाट इज माय प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो अगर थॉट प्रोसेस है, लाइकेबिलिटी है, तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे व्हाट से, हाँ ठीक है, है परफेक्ट। ना? सी आई हैव माय पार्टनर्स कैलेंडर विथ मी राइट नाउ। ही इज अवेलेबल फ्राइडे 4 o'clock और सैटरडे 7:30, व्हिच सूट्स यू बेटर? अभी बाहर मिलना अलाउड हो गया। हेलो 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 शिखा, मुझे आवाज आ हेलो, रही है आपकी। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, हाँ यू आर ऑडिबल। सो व्हेन मैं व्हेन आर बोल रहा हूँ यू कि बाहर फ्री? मिलना लाइक अलाउड हो गया। हेलो, शिखा आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सो व्हिच बाहर सूट्स यू मिलना, बेस्ट? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि बाहर मिलना अलाउड हो गया है। हाँ अभी तो लॉकडाउन सब ओवर हो चुका है ना? हाँ बट रेस्ट्रिक्शंस है ना काफी ज्यादा। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस है, बट वील फिगर आउट। मतलब हम लोग कहाँ मिलेंगे जहाँ मिलेंगे पे फिर हम? अलाउड है, शेख जायद पे ही मिलेंगे। आई विल पिंग यू द लोकेशन, बट यू नीड टू फाइनलाइज योर टाइम फर्स्ट सिंस आई हैव शेयर्ड इट विद यू। आप कौन, व्हिच सूट्स यू बेटर, लाइक टुमारो फ्राइडे और सैटरडे? सैटरडे को मिल लेते हैं शाम का सैटरडे टाइम। 7:30,
हाँ चलेगा ओके सो आई विल ब्लॉक हिज टाइम राइट नाउ एंड कपिल आई विल टेल यू दैट रिमाइंडर सेट कर लो यू नो स्टिक इट समवेयर मतलब यू कैन नॉट बी लेट फॉर दिस मीटिंग इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट दैट कम 30 मिनट्स अर्लियर सो दैट हम दोनों मिल जाएंगे पहले है ना मीटिंग के और आई विल गिव यू जस्ट अबाउट द मीटिंग और फिर वी डोंट लाइक यू नो बिकॉज सी द पर्सन यू आर गोइंग टू मीट ना ही इज सुपर स्पेशल टू मी समवन आई रियली लुक अप टू एंड आई रिस्पेक्ट अ लॉट like so I it's okay if we can wait for him but I can't let him wait for us right or you know first impression is the last impression so let's be on time in fact before time and you know this person I'll tell you Kapil very very successful he's a venture capitalist and you know been there done that he also used to work like us 11 years back but now he's completely into this and he's an entrepreneur one thing I don't know the meeting how will go but one thing I can assure you and vouch you for that milke bahut maza aane wala hai inko you'll get to learn a lot from him hai na okay so I am super excited about our meeting dubai based hai dubai mein rehte hain ha ha he's dubai like he's yahan pe hi hai he's based out of dubai hai na okay and talking about him I'll also tell you ke jaise you are so with me now is he indian like us ha ha he's indian yes कहाँ मिले आपको इंडिया में सो हाँ इंडिया में यही मिले सवाल पूछते हो मैं ना रश ठीक है आई जस्ट गिव यू समथिंग दैट आई टेल यू समथिंग कपिल दैट जैसे तुम मेरे साथ हो ना वैसे ही मिलना ठीक है मतलब कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करेंगे मिलेंगे लेट्स मीट फर्स्ट है ना बिजनेस तो कम्स लेटर फर्स्ट लेट्स सी वी हैव लाइकेबिलिटी है ना तो पहले मिलते हैं लेकिन जस्ट बी योरसेल्फ लाइक ये कोई इंटरव्यू नहीं है सो यू डोंट हैव टू प्रिटेंड एनीथिंग जैसे मेरे साथ हो वैसे बिहेव कर मिलना बिंदास बहुत ही ऑनेस्ट है वो भी और यू नो जो है मतलब सीधे सीधे टॉक ट्रांसपेरेंटली वो देयर इज नथिंग टू हाइड है ना बट इसमें थोड़ा बहुत बताओगे बिजनेस के बारे में मिलने से पहले सो दैट मुझे भी एक बार पता हो कि मैं किस चीज के लिए जा रहा हूं क्या बताना है मतलब व्हाट डू यू वांट टू नो यही कि मतलब मैं किस चीज के लिए जा रहा हूँ कि बिजनेस अब किस चीज के लिए जा रहे हो ये तो सेकेंडरी आता है चीज बट व्हाट आई विल से इज यू नो ट्राई टू नाउ इफ यू वांट टू रियली नो समथिंग नो व्हाट डू यू वांट यू नो टू अचीव इन लाइफ मतलब तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से ये ज्यादा अगर तुम इस पे प्रिपेयर कर लो ना तो द मीटिंग कैन एक्चुअली बी मोर फ्रूटफुल बिकॉज बिजनेस तो यार जैसा बिजनेस होता है वैसा ही है लेकिन इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ है ना अच्छा So there is no interview as such. कुछ ऐसे preparation करने की ज़रूरत नहीं है. Let's meet. It's a meeting and नहीं नहीं मैं कुछ और पूछ रहा था. But चलो ठीक है. मैं मिल के बात करते हैं. Business के बारे में you want to get prepared ना? नहीं नहीं prepared मैंने बोला मैं पूछा कि मतलब जिसके लिए हम जा रहे हैं वो है क्या काम क्या है वो पूछा मैंने. वो तो मिलके discuss करते हैं ना मतलब सब कुछ तो अभी फोन पे नहीं बता पाऊंगी. हाँ मिलकर ही बात कर लेंगे. So just be before time and look your best and I'll ping you the location. I always look best, you know it. Yeah, so okay. Don't worry, I know I don't have to tell you but again, you know, I just want this video. I'm super excited. Let's see kaise jata hai. Yeah, I'll be there. Okay, perfect Kapil, let's meet then. Sure, thank you so much for calling. Okay, you're welcome. See you then on Saturday. Bye bye. Bye. Hmm. Anybody for feedback? Akash Shahid. Hi. नहीं नहीं दे रहा है मुझे. Sorry. आपकी आवाज कम आ रही है भाई. ऐसा लगा. Hi. Hello. आपको शायद सुना ही नहीं दे रहा था. Hello. बहुत बार वो. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Hello. Hello. Am I audible? Yes, 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 you are audible, Shikha. Okay. Yes, you are audible. अरे मेरे घर पे इंटरनेट का इश्यू चल रहा है तो ओके या मेरे को सुना नहीं आप लोगों ने क्या बोला नहीं मेरे को बोला ही नहीं मेरे को यही okay. कि शायद तेरे को आवाज नहीं आ रही थी पता नहीं कपिल का बिकॉज एक दो बार हाँ मेरे को बहुत अटक अटक की आवाज आ रही थी वो मेरे को इन्फो पे भी वही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मुझे मुझे ये फील हो रहा था कि आप कुछ बोल रहे हो और मैं कुछ बीच में कुछ पूछ भी रहा हूँ तो वो स्किप हो रहा है स्किप हो रहा है पूरा स्किप हो रहा है जैसे आप कुछ जब आप आइडेंटिफाई कर रहे थे तब भी मैंने कुछ पूछा था बीच में
आपने सुना ही तो नहीं। तुम्हारी मेरे को आधी आवाज कट के आ रही थी एक्चुअली, आई नहीं रही थी, सुना ही नहीं हुआ आपने दो तीन चीजें। और एक चीज है मतलब मे बी आई विल टेक विद वीपी कि आपने एंड में उसने पूछा ना कि बिजनेस के बारे में एग्जैक्टली क्या है वो तो बताओ, देन आप द रिप्लाई यू गिव इज व्हाट डू यू वांट टू नो, वो थोड़ा लगा मतलब फिर उसको वो बताया कि अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, अपने बारे में जानो, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था। हां क्वेश्चन हां दैट टाइम व्हाट यू वर आस्किंग एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। हां मेरे को देयर डोंट नीड टू लाफ, मेरे को आवाज ही कट के आ रही थी। मैंने दो बार ही पूछा ये कि बिजनेस क्या, क्या है ना वो है। हाँ क्या? तो फिर वो एंड में मैंने सुना बिजनेस क्या है, तो मैंने बोला कि वो तो वो ही डिस्कस करने वाले हैं ना मिलके, वो तो बात करेंगे मतलब। हाँ बट तब तक मैं उस मोड में आ गया था कि चलो ठीक है ठीक है छोड़ो छोड़ो, क्योंकि सब बात घूम चुकी थी कि चलो मिलकर ही बात करते हैं। अच्छा हाँ ओके, मे बी माय बैड इंटरनेट। नहीं नहीं आई थिंक वो इंटरनेट का इशू हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि whether you are not listening or not trying to listen. हाँ नहीं मेरे को लच्छी उसकी आधी आधी आवाज आ रही थी मतलब, हाँ because वो इनफॉरमेशन में भी वो ऐसा लग रहा था कि ये सुन क्यों नहीं रही है मतलब, ये अपनी बात बोल रही है। हाँ इनफो में भी यही हुआ था that I didn't करेक्ट कोई बात, मेरी आवाज सही से आ रही थी तो हेलो आ रही है बहुत बहुत अच्छे से आ रही है। okay. तुम्हारी आवाज बराबर से आ रही है। चलो ठीक है लेट्स कॉल इट अ डे, टुमारो वी विल डू अगेन वंस मोर फॉर इनविटेशन एंड पैराबल ऑफ पाइथन कितना हो गया? दो चैप्टर हो गए ना उसके, आप म्यूट पे हो, तीन चैप्टर सुनाई नहीं दे रहा मुझे, तीन हाँ तो सेकंड पार्ट है उसका। नहीं नहीं वो प्रणव क्या नाम उनका, प्रणव भाई कुछ बोल रहे थे म्यूट पे, जो सेकंड तो अगला पोर्शन भी खत्म करो बिकॉज वी विल डू द शेयरिंग ऑफ द बुक ऑल टुगेदर, तो हम प्रैक्टिस और चालू रखते हैं। बट बॉस पांच कॉल नहीं करेंगे तो ये सब प्रैक्टिस कोई मतलब की नहीं है एक्चुअली में, तो भूल जाते हैं ना करेक्ट। पांच कॉल तीन नाम ऐड और वो तो डिसिप्लिन के साथ करना है। दूसरी चीज ये कि आजकल मैं जो आदमी बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं होता है जिसको ज्यादा कुछ नहीं होता, तो मैं एक ना क्वालिफायर के टाइम समय किताब पढ़ी थी नो, जिसमें एक बंदा था वो पानी, आज मैंने हर्षल के साथ भी वही किया और हसन भाई के साथ। सो बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेक्ट, जस्ट टू कन्वे द पॉइंट। तो वो बुक पढ़ो उसको एंड देन वी विल यूज दैट राइट। ओके वीपी ठीक है ना, सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। आज चूज किया था ना वो। हेलो हाँ हेलो 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 वीपी, आई वांटेड टू आस्क, जैसे कपिल ने पूछा था ना फोन पे कि बाहर कहाँ मिलेंगे अब तो इतना रिस्की मतलब मिलना, तो अगर कोई ऐसे बोलता है सो व्हाट वी कैन से दैट टाइम। नो नो बोलो क्यों, दो लोगों का मिलना थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड है, चार लोग से ज्यादा नहीं बाहर एक साथ में बैठ सकते हैं। okay. मैं बोल रहा हूँ दो लोगों का मिलना रिस्ट्रिक्शन में है ही नहीं, कोई दो लोगों का मिलने में अप टू 5 शाम को 6 बजे के बाद जब कॉफी शॉप खुले होते हैं मिल सकते हैं ना। तो अभी कॉफी शॉप सिर्फ 6 बजे के बाद ही खुल रहे हैं क्या? नहीं रे बाबा, मतलब कुछ कुछ कॉफी शॉप 6 बजे के बाद खुलते हैं, कुछ कुछ शायद फर्दे वर्दे डले होते हैं, बाकी जगह नहीं पता है। अच्छा वो रमजान का खुला रमजान का भी रूल होगा ना, वो बैठना अलाउ करता है। हां हां वो रमजान का भी रूल होगा ना, क्योंकि वो बैठना। हां करेक्ट करेक्ट, इसकी वजह। ठीक है समझ गया। हां करेक्ट ठीक है ना, तो मिलने को तो कहीं भी मिल सकते हैं। ओके दो लोगों को मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपी एक मुझे पूछना था, तो चलो कल किताब पढ़ो ये काम। ठीक है सॉरी, एक तो ये बड़ा डिसवाइज नहीं आ रही आज। हाँ अनुभव। हाँ सर ये पूछना था, एक मैंने इनवाइट किया था आज, तो वो बंदा मैरिड है, तो मैंने उसको वाइफ को भी लाने को बोला, ठीक है, और बिजनेस भी उसको बोला, तो वो बोला यार मैं अकेले आऊंगा,
मतलब वो बोल रहा है कि डिसीजन तो वाइफ से बात करके ही लेगा, लेकिन वाइफ को फैमिली को लेके नहीं निकलेगा घर से, अभी क्या करने का, मना कर दो नहीं तो बोला या... नहीं फिर अगर वाइफ से बिना पूछे डिसीजन नहीं ले सकते हो, हाँ नहीं ले सकते, वाइफ से बिना पूछे डिसीजन नहीं ले सकते हो तो बोलना फिर कोई मतलब नहीं ना यार टाइम वेस्ट करके, फिर बेटर है जब वाइफ को लेके निकल सकते हो तभी आना ना, है ना। ठीक है मैंने उसको वही बोला, मैंने फिर उसे अगर वो ये बोल रहा है कि डिसीजन मैं ले सकता हूँ, नहीं वो बोल रहा है वाइफ से बात करके ही लेगा घर जाएगा बताएगा, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। नहीं बेटर है दिन साथ में मिलेंगे तो बेटर, ठीक है ठीक है ना, ओके दैट केस कैन वी यूज सॉरी इन दैट केस कैन वी यूज Zoom, Zoom पे एटलीस्ट सुनाई नहीं दे, हेलो हेलो हाँ वी कैन यूज बट उसमें भी ढंग से बैठ के पूरा फोकस करके सुने कोई तो ठीक है राइट, हाँ ट्रू दैट, ठीक है सर, ठीक है ना, ओके थैंक यू, ठीक है थैंक यू सर, ओके ओके टुमारो 8:30 है, थैंक यू सर, ओके सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।